राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबर के कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ आकर मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करो। अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हो गया और अपने पत्नी और बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन करने के लिए गया। कीड़ा भी उन सबको अपने घर देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर सत्कार करने लगा और सबको भोजन परोसा। कीड़े के यहाँ भोजन के लिए तो गोबर था, इसलिए उसने भोजन में गोबर की गोलियाँ परोसी और कीड़े ने कहा कि खाओ भाई, रुक क्यों गए। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे संगी का साथ किया है, बुरे इंसान से मतलब बुरे से के साथ मैंने दोस्ती की है, इसलिए मुझे तो गोबर खाना ही पड़ेगा। भंवरे ने सोचा कि यह मुझे इसके संग का साथ करने के कारण यह मुझे भोगना पड़ रहा है और इसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके साथ संगी की है, दोस्ती की है, तो इसका फल तो मुझे मिला ही है। अब इसको तो मेरे संग फल मिलना ही है चाहिए, क्योंकि जो मैंने गलत का साथ दिया है तो उसका फल तो मुझे भोगना ही है। भंवरा बोला, भाई ठीक है। उसने उसके घर जैसा मिला भोजन किया। फिर भंवरा बोला, भाई आज तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया हूँ, तुम कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आना। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुँच गया। भंवरे ने कीड़ा को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया और रस पिलाया। कीड़े ने खूब फूलों का रस पिया और मज़े किए, अपने मित्र को धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते पीते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना मैं अब यहीं रहूं, और यह सोचकर वह वहीं फूल में बैठा रहा। इतने में ही पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और उस फूल को पुजारी जी ने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। प्रभु के चरणों में चढ़ाकर कीड़े की तो जो किस्मत ही बदल गई। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए, वह उनके चरणों में बैठा रहा। इसके बाद शाम को पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा तो गंगा की लहरों पर लहरें ले रहा था और अपनी किस्मत पर इतरा रहा था, बहुत हैरान भी था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़ा बोला, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, मैं तो वहाँ जिंदा ही आ गया हूँ। ये सब मुझे तेरी मित्रता और तेरी अच्छी संगत का फल मिला है। मैं तो खुशी से निहाल हो गया हूँ और मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और तेरी वजह से जो मुझे मिला है वह तो स्वर्ग है। तो दोस्तों, किसी महात्मा ने सही कहा है, जैसे के संग करोगे वैसे बन जाओगे। शराबी के संग साथ करोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी के साथ रहोगे जुआरी बन जाओगे, और स्वार्थी के संग रहोगे स्वार्थी बन जाओगे, और दान पुण्य करने वाले भक्तों का साथ करोगे तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, संगत भी हमें देखकर करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी संगत करते हैं उसका रंग हम पर ज़रूर चढ़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।